हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार गया में एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको इस सक्सेस कर्व यूट्यूब चैनल पर थोड़ी बहुत लॉ में हेल्प करूंगा। जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर्स में ये डील कर लिया था कि हेरार्की एंड स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारी जुडिशरी है क्या है, किस तरीके से हेरार्की बटा हुआ है, और जो लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया हैं जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो आज हम अब जा रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर पढ़ने, और उसमें हमें मेनली ये देखना है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पार्शियलिटी दी गई है और उनका रोल क्या क्या है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आइए शुरू करते हैं इसको। चलिए, तो जब हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे तो सेकंड लेक्चर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से हम जुडिशरी में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखेंगे। तो जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं कि जुडिशरी किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, जो हमारे लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, तो जो आर्टिकल 50 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से किस तरीके से अलग है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, कि किस किस तरीके से अलग अलग हैं और क्या क्या उनका रोल अलग अलग डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी में। इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जुडिशरी को आप एक बोलते हो कि भैया जजमेंट गिवर है वहां पे लोग, वहां पे लोग आपके लाइफ के बारे में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। तो लाजमी है आपके लिए कि भैया अगर वो ये पार्शियल होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगा। अगर हो सकता है कि लेजिस्लेटिव कोई गलत लॉ बना रहा है, ऐसे ज्यादातर होता नहीं है लेकिन हो सकता है कि कोई गलत लॉ बन गया, उसको हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका बहुत सारा राइट इंफ्रिंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जुडिशरी जो है वो किसके तरफ रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर एक पोस्ट होल्डर है वहां पे जो लोग हैं। तो इसलिए इसका इम्पार्शियलिटी जरूरी है ताकि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, गुड गवर्नेंस हो, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो, चेक एंड बैलेंस बना रहे कि किस तरीके से कौन काम कर रहा है, एंड फ्री एंड फेयर सोसाइटी हो। अब फ्री एंड फेयर सोसाइटी का यहाँ पे क्या मतलब है, तो फ्री एंड फेयर सोसाइटी का यहाँ बहुत सिंपल सा ये मतलब है कि भैया हमारी जो सोसाइटी रहे वो फेयरली और फ्रीली काम करे। यानी कि मान लो कि कोई लॉ बना, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक लॉ बनता है, लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने में जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रही है कि भैया अलग ऑटोक्रेसी अपना रही है, किसी दूसरे मीन्स से यूज कर रही है जिससे आपका राइट इंफ्रिंज हो रहा है। तो उस कंडीशन में एक सोसाइटी में जो भी वर्क है उसको फेयर करने के लिए जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और किस किस तरीके से इसके जुरिस्डिक्शन में इसका क्या क्या पावर है हम आगे फर्दर लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं देखो रोल्स पे। तो रोल जो जुडिशरी का मेन जो रोल आता है वो क्या है कि वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। अब वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि जैसे ही हमने आगे हम पढ़ेंगे इसी मॉड्यूल में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, तो वॉच डॉग मतलब कि हमारे जो भी वर्क हैं, जो भी फंक्शन है, उस पर ये चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। एंड वो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि एटकन साहब का एक कॉन्सेप्ट है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यानी कि आपको पावर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो एक ड्यूटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रिविलेज भी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप क्लास के सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही बन जाते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कि चलो हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, मेरा ड्यूटी जो है वो तो है लेकिन मेरा क्या राइट्स है, मेरे पास क्या क्या पावर मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो करप्शन को बढ़ावा देता है, इस कारण से उसको मेंटेन रखने के लिए जुडिशरी जो है वो वॉचडॉग का काम करती है हमारे सोसाइटी में। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम्स हैं हमारे पास। अब इसको क्या करना है कि जो हम मान लो कि अपने फ्रीडम का यूज कर रहे हैं तो उनका देखभाल कौन करेगा ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी में, तो भैया उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, वो कितने एम्बिट तक आपको फ्रीडम दिए गए हैं, क्योंकि आपके फ्रीडम के कारण किसी दूसरे को दिक्कत भी ना हो ये भी देखना है। तो आप अपना फ्रीडम किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसके लिए भी जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके आगे जब हम बात करेंगे रोल्स में, तो
तो जुडिशियरी के पास क्या है कि देखो बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर उसको फ्री रखे गए हैं। एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि हो सकता है कि पार्लियामेंट में कुछ इश्यू हो सकता है सरकार गिरने वाली हो सकता है सरकार बदलने वाली हो सकता है कुछ अलग फैसला आ रहा है, हो सकता है कुछ दंगे हो रहे हैं। उन सब कंडीशंस में जो जुडिशियरी है उस पर बहुत ज्यादा हम प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं, जिससे क्या हो कि जो डिसीजन हो जुडिशियरी के कहीं ना कहीं वो बायस होने लगे। तो ये भी जुडिशियरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पे जुडिशियरी को हम कैसे फ्री रखते हैं, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जहाँ पे जुडिशियरी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं। अब जुडिशियरी क्या है, फंडामेंटल राइट के गार्डियन की तरह काम करती है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हार्ट एंड सोल अंबेडकर साहब के द्वारा बोला गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आपके पास राइट है, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटा सके कि भैया हमारे पास ये दिक्कत हो रही है, हमारा ये फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहा है। इस कंडीशंस में जो जुडिशियरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो एज अ गार्डियन का काम करेगी आपके लिए। क्रिमिनल लॉ में भी हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ में भी बहुत सारे आप, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, तो वो कोर्ट ऑफ अपील भी माने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है। अब कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ गया कि मान लो कुछ ऐसा जो लोअर कोर्ट है ऐसा कुछ डिसीजन दे दिया जो लग रहा है यार कि वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं था, वो उसके पावर में नहीं था, और वो अगर जुरिस्डिक्शन जजमेंट जो है अगर इंप्लीमेंट होता है तो हमें नुकसान है, तो हम वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। किस किस तरीके से जा सकते हैं ये हम आगे डील करेंगे। इसके बाद हम रोल ऑफ कोर्ट में ही आते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सबसे पहले हम बात करें तो एन एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर का काम करता है। अब इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हम देखेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि उसके पास क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन है। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप ध्यान में रखना सबसे पहले ओरिजिनल मतलब उसका एकदम अपना ज्यूरिसडिक्शन कब होगा। तो क्या स्टेट और सेंटर का बीच जब कुछ इशू क्रिएट होगा तो उसमें कौन सा आएगा भैया कोर्ट, तो हमारा आएगा कौन सा, तो भैया सुप्रीम कोर्ट आएगा। कोई स्टेट या स्टेट के बीच में कुछ मैटर हुआ उसमें भी यही आएगा। अब ग्रुप ऑफ स्टेट के बीच में मैटर हुआ उसमें भी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ आपके फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहे हैं तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल रोल माना जाता है। आपके अगर फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी अदर केसेस में हमारे पास एक चेन बना हुआ है कि सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, देन उसके बाद उसके अपर कोर्ट में जाएंगे, देन आप हाई कोर्ट में जाएंगे, देन आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस तरीके से। बट आपका फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली इसको ट्राई कर सकती है और हियर कर सकती है आपके मैटर को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा वही कि आर्टिकल 32 में क्या है। तो आर्टिकल 32 है हमारे पास, देखेंगे भैया कि इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, प्लस में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किस तरीके से ये आपकी मदद करता है। तो कुछ डायरेक्शंस देता है, कुछ ऑर्डर्स देता है, कुछ रिट का कॉन्सेप्ट है। अब रिट बहुत जरूरी है। रिट क्या है कि रिट एक तरीके का डिसीजन ही आप इसको मान सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होता है 226 में। अब रिट किस किस तरीके के होते हैं ये हम जान लेते हैं सिर्फ 1-2 मिनट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिट 5 तरीके के होते हैं। रिट यानी कि आप क्या कि राइट इन रेमेडी के फॉर्म में राइट है आपके पास, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाते हो बोलते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इस तरीके से इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो एज अ डिसीजन एज अ मेजर वो क्या करती है, रिट इशू करती है। अब रिट कितने तरह के होते हैं, तो रिट 5 तरह के होते हैं। अब यही रिट जो है ये हाई कोर्ट के भी यही रिट्स हैं, और क्या क्या किस तरीके से है मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी इन द कोर्ट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि टू प्रोड्यूस द बॉडी इन द कोर्ट क्या, आप सब जानते हैं कि हमें क्या होता है कि पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, और ये आपका राइट है कि आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाइएगा। अगर कुछ लेट होता है वहां पे तो ये आपके पास राइट है कि आप किसी फैमिली मेंबर के थ्रू या क्या कर सकते हैं, आप किसी फैमिली मेंबर के थ्रू या आपने एडवोकेट के थ्रू क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, और वहां पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगी और रिट पास करेगी हैबियस कॉर्पस की उस बॉडी को कोर्ट ने प्रेजेंट किया था। दूसरा हमारे पास आता है, अगर हम बात करते हैं इसके रिट की, तो हमारे पास आता है मैंडमस। मैंडमस आता है कि भैया कमांड,
कमांड मतलब यानी कि एकदम जरूरी, एकदम आपको मैंडेटरी वो करना ही। जैसे पुलिस का ड्यूटी क्या है, एफआईआर लॉज करना, यानी कि आप पोस्ट इंफॉर्मेशन के लिए गए हैं तो वहां पे पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर लॉन्च करेगी। कभी कभी पुलिस क्या करते हैं, कभी कभी क्या बहुत ज्यादा बार ये करते हैं कि वो एफआईआर लॉन्च नहीं करते। उस केस में आपका जो फंडामेंटल राइट है वो इंफ्रिंज हो रहा है, उस केस में आप जाइएगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या मैटमक भेजेगी, यानी कि कमांड भेजेगी रिट के फॉर्म में कि भैया आपको ये काम करना है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे तो हमारे पास आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का कॉन्सेप्ट है प्रोहिबिट कर देना, किसी चीज पे रोक लगा देना। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या हो सकता है। मान लो कि कोई एक ऐसा कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन किसी मैटर पे नहीं है और वो उस मैटर को ट्राई करने लगता है। ट्राई करने में हम क्या देखते हैं, सुप्रीम किसी जो दूसरा पार्टी है जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट रुख करता है, वो हाई कोर्ट जाता है और बोलता है कि सर देखिए इस तरीके से इनका जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं जिससे हमको इश्यू हो रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करता है ये प्रोहिबिशन का, और इसका मतलब है भैया कि जो आप प्रोसीडिंग चला रहे हैं इसको आप रोक दीजिए, यानी कि ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं है, आप अपने पावर से बाहर यूज कर रहे हैं, आपका ये पावर नहीं है, आपका ये जुरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि आपके कंट्रोल में ये मैटर नहीं आता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो सर्शरी का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें भी बोला जाता है कि एक प्रिवेंटिव है, लेकिन ये प्रिवेंटिव और रिमेडियल मेजर दोनों तरीके से काम आता है। अभी इसको हम प्रिवेंटिव जो ऊपर प्रोहिबिशन है लगभग लोग सेम मानते हैं, लेकिन इसमें अलग बात है और डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन में हमने पढ़ा भैया कि कोई प्रोसीडिंग चल रहा है उसको हम रोक देते हैं बीच में, यानी कि बीच में हम प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन जब हम इसमें आएंगे तो ये क्या कहता है कि कोई जजमेंट पास कर दिया गया है, और वो जजमेंट मान लो सपोज करो कि ऐसा जजमेंट पास कर दिया गया है, मान लो कि कोई लोअर कोर्ट या हाई ये कोई भी कोर्ट जजमेंट पास कर दी भैया आपके डेथ सेंटेंस, आपको लग रहा है कि ये जजमेंट गलत है, ये इनके पावर में नहीं था और ये जजमेंट आ गया है और ये डिक्री बनेगा जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो हमें दिक्कत है, हमारे राइट का इंफ्रिंजमेंट है। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि सर्सरी का कॉन्सेप्ट लाएगी, ना कि प्रोहिबिशन, क्योंकि प्रोहिबिशन एक प्रोसीडिंग को रोकने के लिए होता है, यहाँ प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब इस जजमेंट पे रोक लगाना है ताकि इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो इस कंडीशन में हम सर्सरी का कॉन्सेप्ट लाएंगे। और लास्टली हमारे पास आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का सिंपल सा मतलब है भैया कि आपके पास क्या ऑथोरिटी है, क्या वारंट है, यानी कि कोई आदमी अगर दूसरे का ड्यूटी प्ले कर रहा है, दूसरे का पावर यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप पब्लिक सर्वेंट से पूछ सकते हैं भैया कि आपकी ड्यूटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बहुत सारे ट्रेन में जाओगे, बहुत बार आप ट्रेवल करोगे तो पुलिस आके बोलती है भैया कि टिकट दिखाइए, पुलिस की ये ड्यूटी नहीं है। और अगर आप पुलिस को टिकट नहीं दिखाते हो, अगर पुलिस आपको कुछ बोलती है, पकड़ती है, आपसे बदतमीजी करती है, इस सेंस में अगर पुलिस आपसे कुछ भी काम कहेगी वहां पे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पुलिस का, सिर्फ पुलिस पे ये अप्लाई नहीं होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है, और वहां से ये रिट इशू किया जाएगा कि आपकी ऑथोरिटी क्या है वो चेक करने के लिए। टिकट टिकट कलेक्टर चेक करेगा, आपकी वो ऑथोरिटी नहीं है। तो ये हमारे 5 तरीके का रिट है जो हमें अभी मतलब जरूरी है, और इतना ही, बहुत डीप में इसको नहीं जाना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जहां पे हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, तो वो आता है यही रिट का पावर। क्योंकि रिट के पावर में अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट ही जब वायलेट होगा तब आप जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जब आपका फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज होगा तब तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपका लीगल राइट भी इंफ्रिंज हो रहा है तो आप इजिली वहां पे रुक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिजोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद बात करेंगे एपीलेट जुरिसडिक्शन। अब एपीलेट जुरिसडिक्शन में हमारे पास बहुत सारे मैटर्स हैं, हमारे पास सिविल कोर्ट के मैटर्स हैं,
हम सिविल कोर्ट में भी, सिविल अगर इशू है कोई मैटर है अगर उसमें भी दिक्कत है तो हम हाई इजिली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास क्रिमिनल मैटर्स भी है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे अपील्स वगैरह आते हैं जहाँ इशू होता है, आप ऊपर अपील कर रहे हैं कोई डिसीजन से आप खुश नहीं है तो आप उसमें भी जा सकते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन में वहां पे। और कुछ स्पेशल लीव जो आर्टिकल 136 में बात की गई है वहां पे भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में जो है भैया कि यहाँ पे भैया एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन 143 में बात करेंगे, जैसे हमने पहले ही बोल दिया कि एडवाइजर और इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, यानी कि जुडिशरी का काम एक एडवाइजरी फंक्शन के तौर पे भी है कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या इश्यूज उनके साथ आ रहे हैं तो वहां पर वो देखेगी। अब हम यहाँ पे वही कि जो भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है हम उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट आपका राय जानना चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या सुटेबली है, लॉ के अकॉर्डिंग में क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो हम इसको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे। फिर पीआईएल का कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, कि अगर भाई वहां कोई इशू हो रहा है किसी के साथ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कुछ लिटिगेशन किया जाता है, यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसा अनयूजुअल चीज हो रहा है जिससे पूरे पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट हो रहा है बट कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। और पीआईएल में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपकी ये आइडेंटिटी रहती है उसको बाहर नहीं लाया जाता है, यानी कि मान लो कि आपके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके आसपास में इस तरीके के इंडस्ट्रीज हैं जिससे वहां पढ़ाने में हैम्पर हो रहा है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कैंसर पेशेंट का इलाज हो रहा है, वहां पे बहुत सारे शोरगुल हो रहे हैं, साउंड आ रहा है, नॉइज पॉल्यूशन है, उस कंडीशन में अगर हम पीएल डालते हैं तो यहाँ पे भी एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पे भी हम पावर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या पावर है। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी पावर करेंगे तो इसका जो लिमिट है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, टेरिटोरियल और पिकुनरी लिमिट में आ जाते हैं कि मतलब टेरिटोरियल की कितना उनका क्या है। हाई कोर्ट के पास भी आएंगे तो वही रिट ज्यूरिसडिक्शन है किस किस तरीके से काम कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट किसको रोक सकती है भैया, तो इनके जो लोअर कोर्ट है उनको रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी रोक सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर कोर्ट के पास भी, तो उनके पास भी अपील से जो मजिस्ट्रेट वगैरह कोर्ट के डिसीजन है वो ऊपर जाएंगे अपील के तौर पे, तो उनके क्या क्या पावर है। हाई कोर्ट का भी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जिस तरीके से वो एडवाइस करती है ये भी गवर्नर को एडवाइस करता है, चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखता है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो लगभग जो ड्यूटीज है वो वही सारी ड्यूटीज है जो वहां पे हमने पढ़ा था। अब बात करेंगे देखो यार इम्पार्शियलिटी का, कि हम इम्पार्शियल उसको कैसे बोल रहे हैं, यानी कि देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप एक स्टूडेंट हो, आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो किसी टीचर्स के पास, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं हमने स्कूल्स में देखे हैं कि जैसे अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और उसी में से कोई टीचर्स जो हैं जिसके पास आप ट्यूशन भी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इम्पार्शियल बिहेवियर करते हैं, तो हमें पार्शियल बिहेवियर करते हैं सॉरी पार्शियल बिहेवियर करते हैं तो हमें इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है कि आपके पावर में मेरे जो जो राइट है हम उनको बहुत मिनिमाइज कर देंगे, यानी कि लेजिस्लेचर के पास इतना पावर ना हो कि वो पूरा जुडिशरी का फंक्शन देखे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो, क्या पेमेंट हो, इस तरीके से। क्योंकि जैसे ही हम अपॉइंटमेंट और पेमेंट लेजिस्लेचर के हाथ में देंगे, यहाँ पे जो जुडिशरी है वो सेपरेट बॉडी की तरह नहीं उसके इम्प्लॉय की तरह काम करने लगेगी, और ये जान जाएगी कि भैया अगर हम उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन देंगे, अगर वो गलत कर रहा है और उस पर हम कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भैया हमारे साथ जो अपॉइंटमेंट में है, जो फंडिंग का इश्यू है, ये सब भी हो सकता है वहां पे। तो कोई नहीं चाहता है कि हम अपने लिए ट्रबल लाएं, लेकिन जुडिशरी को इम्पार्शियल रखना है तो बहुत सारे मेजर मेजर्स लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या जो हमारा एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किस किस तरीके से हम ये कोशिश करेंगे कि जुडिशरी को इम्पार्शियल रखे। सबसे पहले बात करेंगे देखो भैया कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया जुडिशियल इंटीग्रिटी किस तरीके से हम मेंटेन करके रख रहे हैं। अब जुडिशियल इंटीग्रिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो जो बहुत सारे पावर्स हैं, ऐसे पावर्स हैं, ऐसे प्रिविलेज्ड पावर्स हैं वहां पे जो पार्लियामेंट चाहे तो कर्टेल नहीं कर सकती है। अब पार्लियामेंट क्या कर्टेल नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट किसी के फंडामेंटल राइट पर डिसीजन दे रहा है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन पर डिसीजन दे रहा है,
जो मे भी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट हो, पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट अगर उनको रोक देती है तो लाजमी बात है कि भाई पार्शियलिटी होगी। तो यहाँ पे जो एम्बिट है वो दूर रखा गया उनको कि नहीं भैया हम आपको इतना टच में ही आने नहीं देंगे, इतना आपके पास पावर ही नहीं देंगे, ताकि आप उसके जितने भी काम है आप उसको क्या करो, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सको। इसके बाद जब हम बात करेंगे देखो अपॉइंटमेंट का, तो अपॉइंटमेंट भी देखते हो कि भैया अलग तरीके से होता है, किस तरीके से प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, किसके सजेशन पे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है, और जो उनके टेन्योर्स होते हैं हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो 62 ईयर्स उनका जो एज होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो 65 ईयर्स का जो एज होता है, और इनका जो टेन्योर है बहुत सिक्योर होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ये लेजिस्लेचर जो अभी करेंट गवर्नमेंट है आप उसके अगेंस्ट में कोई जजमेंट दे दिए तो आपको क्या कर दिया गया कि भाई बर्खास्त कर दिया गया, आपको वहां से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सैलरी और अलाउंसेस की हम बात किए थे तो हम पढ़े थे सेकेंड शेड्यूल में आप जाओगे तो वहां पे दिया गया है कि किस तरीके से अलाउंसेस होते हैं। तो इनके जो भी सैलरीज होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। जो भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है तो सैलरी में भी बहुत ज्यादा पार्लियामेंट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो लाजमी बात है जहां इन्फ्रिंजमेंट नहीं है वहां पे करप्शन कम है, और करप्शन कम है तो लाजमी बात है कि इम्पार्शियलिटी रहेगी। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमारे स्कूल के कोई टीचर एग्जाम्पल लेते हैं और उनके जो पेमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल डिसाइड कर रहे हैं, तो वो टीचर अगर प्रिंसिपल गलत भी कर रहा है तो उनके अगेंस्ट जाने से बचेगा। लेकिन कोई ऐसा एक स्कूल है जिसका जो ये सैलरी है टीचर्स के वो बाहर से मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और दे रहा है, कोई और चेक एंड बैलेंस बना कर रखा हुआ है, प्रिंसिपल से उसमें कोई लेना देना नहीं है और प्रिंसिपल के पास पावर भी नहीं है कि आपको सस्पेंड कर देगा एक ये आप अगर सही फैसला कुछ ले रहे हैं तो लाजमी बात है बहुत सारे टीचर्स अगर प्रिंसिपल गलत करेंगे तो उनके अगेंस्ट भी जाएंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। इसके बाद जब हम बात करते हैं जुडिशियल कंडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स के रिव्यू से या एग्जामिनेशन से क्या होता है, अलग होता है। यानी कि मान लो कि कोई भी ऐसा डिसीजन आता है, अब उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देता है, कोई भी डिसीजन ऐसा हाई कोर्ट दे देता है जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट है, तो उस पर फिर गवर्नमेंट ही एग्जामिनेशन नहीं करेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी अपने मैटर में ही जज नहीं हो सकता। मान लो कि हम आपके अगेंस्ट कुछ फैसला दिए, फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट है तो आप मेरे पे चढ़ जाओगे कि यार ऐसा आप कैसे फैसला दे दिए, ये वो हम गवर्नमेंट में, तो ये आप नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ मोशंस जो है जो जजेस के रिमूवल्स और इम्पीचमेंट की बात करते हैं उन सब कंडीशंस में हम क्या करेंगे, उन सब कंडीशंस में ये हो सकता है, बट ऐसे रेयर कंडीशंस में नहीं होगा, मतलब ऐसे हर कंडीशंस में नहीं होगा, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में आता है वो चीज। यानी कि जुडिशियल कंडक्ट पे भी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, और जुडिशियल कंडक्ट पे एग्जामिनेशन कौन करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही काम करेगी, उसके बाहर काम नहीं करेगी। इसके बाद जब हम आएंगे तो जो भी उसके स्टाफ के अपॉइंटमेंट होते हैं, जो भी स्टाफ और ऑफिसर्स के सर्विस के कंडीशंस होते हैं, तो वो उनके अपने ऑथराइज्ड होते हैं, वो कहीं पार्लियामेंट या किसी चीज से गवर्न नहीं होते हैं, तो ये सब भी हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, तो रिटायरमेंट के बाद के प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं, तो जो जजेज हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर करते हैं तो वहां तो उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर कोई हाई कोर्ट के जज रिटायर करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये रूल है कि वो उस हाई कोर्ट में क्या करेंगे या उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे जब आप एक बार जज बन के और वहां से रिटायर करते हैं तो आपकी एक अलग इमेज बन जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग वहां पे जो रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है तो थोड़ा सा बैसनेस का चांस रहता है, तो यहाँ भी हम बैसनेस दूर करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सब चीज हम देखते हैं कि किस किस तरीके से जुडिशरी की क्या इम्पार्शियलिटी है, किस तरीके से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने रिट पढ़ा, रिट इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन आप बहुत डीप में नहीं जाओ वो कॉन्सेप्ट, लेकिन याद रखना कि पांच रिट हैं, पांच रिट में क्या क्या बोला गया है, किस तरीके से कौन सा रिट कब यूज किया जाएगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये दोनों याद रखना कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास आप मूव कर सकते हो, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट के पास मूव कर सकते हो,
तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी सक्सेस कर्व आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा है ताकि आप क्यूईटी जो 2022 या इसके बाद के भी जो प्रिपरेशन है 2023 के, आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट डाल रहे हैं आप सबके लिए। जहाँ कुछ दिक्कत हो लेक्चर्स में, आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या सक्सेस कर पे जो भी आप सोशल हैंडल्स से जुड़े हुए हो आप वहां भी उनसे क्वेरी कर सकते हो। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको बेहतर असिस्ट करे। बाकी ऑल द बेस्ट आज के लिए, एकदम मन लगा के पढ़िए। और मैं फिर से बोल दूँ जो लोग नए हैं कि लीगल स्टडीज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मस्ती के मूड से हम इसे पढ़ेंगे और बहुत स्कोरिंग पेपर है और इजिली आप इसके क्वेश्चन टैकल कर लोगे। तो देन ठीक है, फिर बाय बाय।